कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से मेडिकल छात्रों के अध्ययन के लिए मृत देह तक नहीं मिल रही थी। इसके चलते उदयपुर आरएनटी कॉलेज से देह मंगवानी पड़ी थी। मेडिकल कॉलेज में छात्रों के अध्ययन के लिए आरके कॉलोनी निवासी राजेंद्र छिपा ने अपने पिता के निधन के बाद उनकी देह दान कर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। राजेंद्र छिपा के 72 वर्षीय पिता ओम प्रकाश छिपा का शुक्रवार सुबह महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था। पूर्व में की गई घोषणा के अनुरूप राजेंद्र छिपा ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को पिता ओम प्रकाश की देह सौंप दी। हाँ, मैं अपने परिवार की सहमति से हम दोनों का देहदान कर रखा था। कल उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई, उनका देहदान कर दिया। आने वाले समय में मेरा भी देहदान करेंगे। ये मतलब प्रचार अच्छी तरह से होना चाहिए, दूसरों लोगों को भी राय देने से अच्छा होता है। देहदान करने से बच्चे डॉक्टर लोग सीखते हैं। स्वर्गीय ओम प्रकाश जी जड़िया छिपा, हमारी गोत्र जड़िया है और जाति छिपा। ये देहदान की जो प्रेरणा है, ये इनके पिताश्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व के हेमवती नंदन बहुगुणा के सहपाठी थे और कई वर्षों तक यूपी में उनके साथ रहे और उसी प्रेरणा को इन्होंने 5 अक्टूबर 2016 को पति पत्नी दोनों ने मिलकर देहदान की सामाजिक कार्यक्रम में घोषणा की। तत्पश्चात 10 सितंबर 2021 को उनका देहावसान होने के पश्चात उनके पुत्र ने उनकी घोषणा को विधिवत निभाया और मानव जीवन के महत्वपूर्ण योगदान को सोचते हुए 2016 को मेरे माता शांता देवी छिपा, मेरे पिता ओम प्रकाश छिपा, मैं स्वयं राजेंद्र छिपा, मेरी पत्नी ज्योति छिपा, मेरे बेटे शुभम, यश, मेरी बेटी भाग्यश्री ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि मेरे पिता ओम प्रकाश छिपा और शांता देवी छिपा को मृत्युपर्यंत देहदान करके संपूर्ण चिकित्सा क्षेत्र में एक अनूठी पहल करने की उनका जो विचार था उसको दिनांक 10 सितंबर 2021 को महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों के अथक प्रयास करने के बावजूद भी गंभीर बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात मेरी डॉक्टर रामावतार जी बेरवा, पीएमओ साहब डॉक्टर अरुण गौर साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने उनको बताया कि इन्होंने मृत्युपर्यंत देहदान की घोषणा पहले जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में कर रखी थी, तत्पश्चात भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज खुला उन्होंने सर्वप्रथम विजय जर्जी सिंधिया मेडिकल कॉलेज में अपना आवेदन करके यहाँ उसको हस्तांतरित करवाया। और यही लोगों से उम्मीद करता हूँ कि उचित आप लोग भी कदम उठा के मानवता का मिसाल पेश करके तथागत बुद्ध की भावना को अनुकूल करें।